हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सनालिटी को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है और किस तरीके से हम एक पर्सनालिटी को पहचान सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये पूरा वीडियो जो है थोड़ा क्रिस्प होगा और पर्टिकुलर टू पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है उस रिलेटेड होगा। तो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है? एक लोकस ऑफ कंट्रोल है, उसमें इंटरनल कंट्रोल है एंड एक्सटर्नल कंट्रोल है। ठीक है, जब इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कहता है आई कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू मी। ठीक है, एक पर्सनैलिटी है। ठीक है, उसके साथ भी ये चीज़ होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है तो समझिए हमारे में भी एक इंटरनल कंट्रोल और एक्सटर्नल कंट्रोल है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं, हम लोग बोलते हैं कि अगर रिएक्ट नहीं किया होता तो बेटर होता। ठीक है, सो दैट मींस इंटरनल कंट्रोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ऑफ अ पर्सन्स पर्सनैलिटी इज इम्पॉर्टेंट, और एक्सटर्नल कंट्रोल में पीपल एंड सर्कमस्टेंसेस कंट्रोल माय फेथ। ठीक है, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है 10th में हम अच्छे स्कोर करने के बावजूद भी हमें जो करना है CA हो या फिर कोई मैनेजमेंट हो, नहीं, इफ़ यू आर गुड एट 10th तो साइंस में जाएंगे, साइंस के बाद इंजीनियरिंग करेंगे। सो जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बाहर के एक्सटर्नल लोग हैं उनके हिसाब से ही हमारा जो फेथ है वो आगे बढ़ेगा। राइट, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है और ये इंटरनल फैक्टर है। इंटरनल कंट्रोल हम खुद कर सकते हैं, अपने आप को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, हमारे माइंडसेट को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखते हैं और क्या क्या है। तो सेल्फ एफिशिएंसी के बारे में हम बात करते हैं, जब पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशंस अबाउट वंस एबिलिटी टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क इफेक्टिवली सोर्सेज ऑफ सेल्फ एफिकेसी। तो बिलीफ और एक्सपेक्टेशन जो है एक की एबिलिटी है। ठीक है, वो आप कितने अच्छे से बिलीव करते हो अपने आप को और अपने एक्सपेक्टेशंस कितने ज़्यादा रखते हो और अकम्प्लिश करते हो, उसे फुलफिल करते हो एक स्पेसिफिक टास्क को इफेक्टिवली। ठीक है, ये है आपका सोर्स ऑफ एफिकेसी, मतलब आपका जो इफेक्टिवनेस है, एफिकेसी है, वो आपके तीन फैक्टर्स में है, आपके भरोसे पे, आपके एक्सपेक्टेशंस में क्या मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपकी जो एबिलिटीज़ है, आपके पास जो स्किल्स है, वो ये सारी चीज़ें जब एक साथ फुलफिल करने के बाद आप कुछ चीज़ को हासिल करते हो, किसी टास्क को पूरा करते हो, एकम्प्लिश करते हो, तो वो आपका सोर्स ऑफ एफिकेसी है। अब ये सोर्स ऑफ एफिकेसी और सेल्फ एफिकेसी को कैसे डेवलप करते हैं हम लोग? प्रायर एक्सपीरियंस। इसीलिए बहुत सारे बड़े लोग हमें यही पूछते हैं कि कुछ भी काम करने से पहले एक्सपीरियंस है क्या। इसलिए शायद ऑर्गेनाइजेशंस में फ्रेशर्स को कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है और फ्रेशर्स को जल्दी हायर नहीं किया जाता किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। सो प्रायर एक्सपीरियंस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन बिहेवियर मॉडल्स, ऑब्जर्व करना अपने सक्सेस को और उस हिसाब से हमारा कौन सा मॉडल है, एग्रेसिव मॉडल है, लीडरशिप मॉडल है, फॉलोअर्स मॉडल है। ठीक है, तो ये मॉडल्स को हमें याद रखना ज़रूरी है और हमें हमारे पर्सनालिटी को पहचानना ज़रूरी है। देन पर्सुएशन, आप कितने अच्छे से पर्सुएट कर सकते हो, कितने अच्छे से कन्विंस कर सकते हो सामने वाले को। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। देन असेसमेंट ऑफ करेंट फिजिकल इमोशनल कैपेबिलिटीज, तो असेस करना यानी एग्जामिन करना कि आपका जो फिजिकल कैपेबिलिटी है वो क्या है और इमोशनल कैपेबिलिटी है तो वो क्या है। देखिए, अगर आपको बोलेंगे कि बाहुबली जैसे आपको शिवलिंग को उठाना है, ठीक है, तो क्या वो आपके कैपेबिलिटी में बैठता है? क्या आप फिजिकली उतने स्ट्रांग एंड फिट हो कि आप बाहुबली जैसा शिवलिंग को अपने कंधे पे उठा कर लेकर जाओ? यहाँ 25 किलो का चावल का गोनी उठाने में बहुत सारे लोगों के दम निकल जाता है। राइट, तो वो फिजिकल कैपेबिलिटी है तो ही हम कर सकते हैं, और ये सब में सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है,
एंड कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो आपको वो कैपेबिलिटीज़ भी समझनी चाहिए। देखिए, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाओगे और आपके पास 1,000 लोग आएंगे, सर मेरे लिए ये तकलीफ़ है, मुझे वो तकलीफ़ हो रहा है, मुझे आप सैलरी बढ़ा के दीजिए, या फिर मुझे आप एडवांस सैलरी दीजिए, या फिर आप मुझे हेल्प कीजिए। तो आप बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल रहोगे ना बेसिकली, तो बहुत ज़्यादा लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो आपको वो असेस करना है कि आप ज़्यादा इमोशनल हो, आप स्टेबल हो, या आप इमोशन लेस हो। ठीक है, तो ये फिजिकल एंड इमोशनल कैपेबिलिटीज़ को भी असेस करना इम्पॉर्टेंट है जब आप अपने पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना चाहते हो। तो सेल्फ एस्टीम बहुत ही मायने रखता है, फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ। देखिए, कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आप किसी के पास जाते हो और सामने वाले आपको उतना रेस्पेक्ट नहीं देते, इग्नोर करते हैं। ठीक है, या फिर आपके कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस है उसको नज़रअंदाज करते हैं। ठीक है, उसको बहुत क्या बोलते हैं, अलग अलग गलतियां वहां से निकालने लगते। तो सेल्फ एस्टीम भी एक कुछ चीज़ है। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट भी एक कुछ चीज़ है। तो ये सेल्फ एस्टीम जो है, ये भी हमारे पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पार्ट है। सक्सेस टेंड्स टू इंक्रीज सेल्फ एस्टीम, फेलियर्स टेंड टू डिक्रीज सेल्फ एस्टीम। सक्सेस जो है वो आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं, और फेलियर जो है वो आपके सेल्फ एस्टीम को गिराता है। जितना ज़्यादा आप सक्सेस होते जाओगे लाइफ में, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा आपका एस्टीम, सेल्फ एस्टीम बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत कुछ कर रहे हो और हर चीज़ में आपको फेलियर ही फेलियर मिल रहा है, तो तब क्या करना चाहिए मुझे? तो इससे क्या होता है, आप आगे बढ़ने से कतराते हो कि 10 बार मैंने कोशिश की और 10 बार मैं हार गया। तो अपना जो सेल्फ वर्थ है, हम खुद ही खो जाते हैं कि, और हम बोलते हैं कि यार मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। ठीक है, सो दैट इज सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एस्टीम। उसके बाद है सेल्फ मॉनिटरिंग। ये अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सनैलिटी का, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी काम हो, अगर आप रास्ते से भी चल रहे हो, तो अपने आप को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी जानवर को तो नहीं मार रहे हो, आपको जहाँ जाना है आप वहीं जा रहे हो कि कहीं और जा रहे हो, आपका जो माइंड सेट है वो क्लियर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सेल्फ मॉनिटरिंग में करते हैं। हम जो भी एक्टिविटी या टास्क को लेते हैं, तो सेल्फ मॉनिटरिंग यानी सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर बेस्ड ऑन क्यूज फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन, हाई सेल्फ मॉनिटर्स, फ्लेक्सिबल, एडजस्ट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द बिहेवियर ऑफ अदर्स कैन अपियर अनप्रेडिक्टेबल एंड इनकन्सिस्टेंट। कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा ही अपने आप को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, और वो बहुत मॉनिटर करने के बाद बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। क्यों? देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ। आप कोई प्रोग्राम जो है आपके घर में अरेंज करते हो, ठीक है, आपको किसी रिलेटिव ने कहा कि आपने बुफे में तो सब रखा है, खाने में सब चीज़ रखा है, लेकिन एक चीज़ की बहुत कमी है। देन यू बिकम कॉन्शियस, आप अपने आप को मॉनिटर करते हो, एग्जामिन करते हो कि सारी चीज़ें तो हमने रखी है खाने में, तो क्या रह गई उसमें। तो वो एक एक्स वाई जेड डिश का नाम लेते हैं। तो व्हाट यू डू, यू गेट फ्लेक्सिबल, आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हो और आप वो जो प्रोडक्ट है, वो जो डिश है, आप अवेलेबल करके देते हो। सो एडजस्ट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरे के बिहेवियर के हिसाब से आपने एडजस्ट कर लिया, और उनके रिक्वेस्ट एंड डिमांड, आप कुछ भी कहे वो आपने माना। और आप अगर ऐसे हो तो आप अनप्रेडिक्टेबल हो और इनकन्सिस्टेंट हो, क्योंकि उसके बाद दूसरे कोई आ गए, उन्होंने कुछ नए डिश की मांग की, उन्होंने बोला कि ये होना चाहिए, सामने वाले रिश्तेदार ये मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हम लोग क्या अरेंज कर सकते हैं। तो आप फिर से चेंज हो जाते हो, अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हो, फिर आपके घर वाले बोलते हैं यार इतना सब करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, और फाइनली ऐसा हो जाता है कि अगले कोई सिचुएशन या कोई अच्छा ओकेशन आता है जहाँ पे हमने सारे रिलेटिव्स को बुलाया, तो आपको थोड़ा दूर रखा जाएगा, बिकॉज आप अनप्रेडिक्टेबल हो, कभी भी किसी का सुनकर कुछ भी काम कर सकते हो, जो अच्छा होगा आपके फैमिली के लिए, उनके रिस्पेक्ट्स के लिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मॉनिटर करते हो आप अपने आप को। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अगेंस्ट में, वो है लो सेल्फ मॉनिटर।
बहुत कम मॉनिटर करते हैं अपने आप को, ठीक है, एक्ट फ्रॉम इंटरनल स्टेट्स रादर देन फ्रॉम सिचुएशनल केस क्यूज, ठीक है। अगर सेम हाई सेल्फ मॉनिटर का ही केस हम लेंगे, तो आपको अगर किसी ने कहा है कि एक एक्स वाई जेड डिश नहीं है, तो आप उनको क्या बोलोगे? आप पहले ये सोचो कि ऑलरेडी इतना खर्चा किया है, ऑलरेडी हमने इतना ही मेहनत की है, तो और नया क्यों लाना है, और क्या है वो अवेलेबल रहेगा अभी? तो वॉट यू विल से, ठीक है मैं देखता हूँ, और फिर आप निकल जाते हो वहाँ से, एंड देन आप अपने आप से बोलते हो कि इतना सब रखा है तो उसमें से कुछ लो, नया क्या डिमांड कर रहे हो, राइट? ये इंटरनल हमारी थिंकिंग होती है, तो हम लोग हमारे इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा मॉनिटर नहीं करते लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ठीक है, आपको जो सही लगता है आप वो करते हो, देन कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है जब हम सेल्फ मॉनिटर बहुत कम रहते हैं तो, क्योंकि हमें पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे लेक्चर लेना है, तो मैं ज़्यादा मॉनिटर नहीं करता कि लोग क्या कर रहे हैं या फिर मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। बस यही ध्यान देना है कि मेरा इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड ये है कि मुझे अपने बच्चों को अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, अच्छे वीडियोस बनाने हैं, ठीक है, जो भी लेक्चर हो बहुत ही अच्छे तरीके से उनके सामने चले जाए, उसके लिए चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी है, मेहनत है, ठीक है, तो ये मेहनत जो है स्टेबल रहती है, धीरे 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 ग्रोथ होती है, ठीक है। लेस लाइकली टू रेस्पॉन्ड टू वर्क ग्रुप्स नॉर्म्स और सुपरवाइजरी फीडबैक, हम लोग यहाँ पे बहुत कम रेस्पॉन्स करते हैं हमारे सुपरविजन्स को। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपका कोई वर्क ग्रुप है, देखिए मैं ये जो प्रेजेंटेशन, ये जो स्लाइड्स या फिर जो पीडीएफ है जो आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप इसमें एनिमेशन डालिए, आप इसमें वो हैंड राइटिंग लिखने वाला काम कीजिए। देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जगह है, लोगों के फीडबैक्स अपनी जगह है, मुझे कुछ ज़्यादा क्रिएटिव नहीं करना है, मेरा काम क्या है, मेरा इंटरनल स्टेट क्या कहता है कि बच्चों को लेक्चर लेना, ठीक है, उनका जो पढ़ाई फिजिकली नहीं हो रहा है कॉलेज में, वो थ्रू इंटरनेट्स एंड यूट्यूब्स के थ्रू एक जिम्मेदारी है, और वो मुझे कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली, ठीक है, करना है। तो चाहे जो भी रेस्पॉन्स आए या फिर जो भी फीडबैक आए, मुझे ये ख्याल रखना है कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, फिर चाहे मेरा वर्क ग्रुप कुछ भी बोले या सुपरवाइजरी फीडबैक कुछ भी दे, अल्टीमेटली मैंने जो टारगेट रखा है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मैटर करता है। तो ये है लो सेल्फ मॉनिटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये है हाई सेल्फ मॉनिटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट, तो पर्सनैलिटी में दो अफेक्ट होते हैं, एन इंडिविजुअल्स टेंडेंसी टू एक्सेंचुएट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ, अदर पीपल एंड द वर्ल्ड इन जनरल। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है, उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर चले और अपने साथ दूसरे लोगों को भी थोड़ा पॉजिटिविटी दे और पूरे वर्ल्ड में वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाए, भले ही कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं वो बैक टू पॉजिटिव आ ही जाता है। नेगेटिव लोग हमेशा नेगेटिव रहते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लेकर चलते हैं अपने साथ, लोगों में भी नेगेटिविटी भरता है। मैं एग्जांपल देता हूँ दो आपको, जब मैंने ये लेक्चर सीरीज चालू किया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार अभी चालू करके क्या फ़ायदा, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं तो वहीं से उठा के आप लेक्चर दे सकते हो ना बच्चों को, ठीक है। तो मेरा पॉजिटिव इफेक्ट क्या था कि मैं दे तो सकता हूँ लेकिन अपना जो सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, क्या वो पूरा होगा, क्या मुझे लगेगा कि मैंने प्रॉपर लेक्चर दिया है, ठीक है। तो जितना मैं टाइम वो ढूंढने में और सुनने में निकालूँ, उतना ही टाइम मैं आपके लिए कुछ अच्छे कंटेंट टाइप करके रखूँ, ठीक है, टेक्स्ट बुक से कुछ टाइप करके आपके सामने स्लाइड्स में पीडीएफ्स में प्रेजेंट करूँ, ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है। लोगों ने बहुत नेगेटिविटी डालने की कोशिश की कि आप यूट्यूब में डाल रहे हो तो आप का फोकस पढ़ाना नहीं है, आपका फोकस कुछ और है, सब्सक्राइबर्स का है, व्यूज का है, आप यहाँ से पैसे कमाना चाहते हो, दैट्स अ सेकेंडरी पार्ट, ठीक है। देखिए लोग नेगेटिविटी कितना भी आप में डाले, आपको आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ लेकर चलना है। अगर मैं भी नेगेटिव हो जाता और फिर मुझे लोग कहते कि अभी चैनल शुरू करके क्या फ़ायदा, ठीक है, अभी आप क्यों कर रहे हो, अभी मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, पैंडेमिक में आप कुछ काम मत करो सर, आप आराम कीजिए, आपको क्या लगता है बच्चे सुनेंगे क्या आपका वीडियो, वो देखेंगे एक बार और फिर निकल जाएंगे, वो पढ़ेंगे नहीं, फिर आपको एट द एंड ऑफ द सेमिस्टर जब
कॉलेज शायद खुलेगा तो फिर से वो रिवाइज करने के लिए बोलेंगे, तो डबल मेहनत की। अगर उनका नेगेटिव इफेक्ट मेरे पे होता तो शायद इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, इतने अच्छे लेक्चर्स मैं बना पाता नहीं। तो स्टेट ऑफ माइंड लो सेल्फ सॉरी लो कंसिस्टेंसी है, नहीं हमारा कंसिस्टेंसी एकदम सही है। सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारा अपने जगह पे है, ठीक है, और नेगेटिव इम्पैक्ट किसी का हम पे नहीं पड़ा है। हमारा एक ही पॉइंट है, पॉजिटिवली चलो, दुनिया कुछ भी कहे, फॉलोअर्स आए नहीं आए, लोग देखे नहीं देखे, हमारे कॉलेज के बच्चे तो देखेंगे और उनका फायदा होगा। तो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। आप ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि किसी को अगर आप एक चीज़ नेगेटिव बोलो वो नेगेटिव ही बोलते जाते हैं, अगर आप उनको पॉजिटिव बोलो तो वो पॉजिटिव ही बोलते जाते हैं, चाहे वो सेम टॉपिक पे हो या फिर सेम सिचुएशन पे ही क्यों ना हो। ये था आपके लिए वीडियो अबाउट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित नहीं है, हमारे पर्सनल लाइफ में भी ये एप्लीकेबल होता है। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एनी क्वेरीज, मेल टू प्रेम सर एट द रेट gmail.com, और मुझे व्हाट्सएप में भी आप क्वेरीज पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।